अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आज का जो आपका टॉपिक है वो है बार ग्राफ। अब हम लोगों ने बार ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व करने हैं, और इसके लिए आप लोग अपने पास जो है एक पेंसिल और एक कॉपी अपने पास रखें, ताकि आपको जो स्टेप्स वन बाय वन बताए जाएं आप उसके अकॉर्डिंग खुद भी करते रहें, ताकि आपको याद रहे कि आपने किस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोग अपनी साइंस की कॉपी में काम करते हैं ना, आप लोगों ने अपने पास अपनी कॉपी रखी होती है, पेन स्केल वगैरह जो भी आपकी चीजें हैं, पेंसिल अपने पास रखी होती है, उस तरीके से अब आप लोगों ने अपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप लोग अपने पास एक कॉपी पेंसिल स्केल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन करना है, ड्रॉ अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल बार ग्राफ क्या होता है। वर्टिकल बार ग्राफ बोलते हैं ऐसा ग्राफ जिसमें वर्टिकल लाइंस हो। वर्टिकल मींस वाई एक्सिस के अलोंग, जिस तरह आपकी दीवार होती है, ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर, जिस तरह 90 के एंगल बन रहा होता है, परपेंडिकुलर खड़ी होती है, वो वर्टिकल होती है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल क्या है कि आपके पास जिस तरह जमीन है, जमीन की डायरेक्शन में जिस तरह आपके पास कोई चीज पड़ी हो जमीन पे, तो उसको आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे आपको हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, ऐसा ग्राफ जिसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हो। जैसे ये देखें, अब आपको ये लाइन नजर आ रही है, ठीक है, ये जो लाइन है ना ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और उसके बाद ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, और ये जो अभी मैंने आपको पहले लाइन दिखाई है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाली, ये वाई एक्सिस के अलोंग होती है। यानी इस लाइन को आप यहाँ पे लिखते हैं वाई एक्सिस, और इस लाइन पे आप यहाँ पर लिखते हैं एक्स एक्सिस, कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये वाई एक्सिस के अलोंग है। चले अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास, ड्रॉ अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अब आपने ना इसमें एक वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और दूसरा आपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, आपने वर्टिकल बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। अब आपने किस तरीके से ड्रॉ करना है, आप गौर से इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या स्टेप्स बताए जा रहे हैं, आपने उसको फोकस करना। अब देखिए आपके पास टेबल क्या है, टेबल आपके पास ये है, क्या आपको मंथ्स गिवन है, मंथ्स क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये मंथ्स हैं, ठीक है, फाइव मंथ्स हैं, और उसके बाद उन मंथ्स में उन्होंने आपको प्रॉफिट बताया हुआ है कि जनवरी में एक पर्सन को 12,000 प्रॉफिट हो रहा है, फेब में 23,000, मार्च में 18,000, अप्रैल में 26,000 एंड मई में 20,000। ये उन्होंने आपको प्रॉफिट भी बता दिया है कि किस मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब जब आपने वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरी वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि जब भी आप वर्टिकल बार ग्राफ बनाते हैं या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाते हैं, आपने दो लाइंस तो बनानी है, लगानी होती है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और सेकेंड वन इज वाई एक्सिस के अलोंग। देखिये मैंने वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है, अब वर्टिकल बार ग्राफ में जब आपने बनाना है तो आपने पहले तो ये लाइंस लगानी है, ये वाली एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन लगानी है, और ये लाइन आपने किस तरह लगानी है, देखिए यहां से वर्टिकल बार ग्राफ लिखने के बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स लाइंस आपने छोड़नी है, एक दो तीन चार पांच छह, छह लाइनें आपने छोड़ के सातवीं वाली लाइन पे आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये लाइन मैंने 14 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है, ठीक है, और आपको यहां से नजर आ रहा है कि ये इतनी मैंने स्पेस छोड़ी है, यानी मैंने यहां से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं की, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं यहां से इस तरह लाइन ड्रॉ करूं, नहीं, बल्कि मैंने यहां से लाइन ड्रॉ की है, स्टार्ट में यहां से आप टू टू थ्री सेंटीमीटर जो है वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहां पे आप लोगों ने अपनी रीडिंग्स लिखनी होती है, अपनी वैल्यूज लिखनी होती है, तो आपने यहां से टू टू थ्री सेंटीमीटर छोड़ के उसके बाद आप लोगों ने ये स्केच से एक लाइन ड्रॉ करनी है 14 सेंटीमीटर। यहां पे मैंने 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं, आपने यहां से लाइन तो यहां से स्टार्ट कर ली है, आप इस लाइन को ऐसे एंड तक भी, यहां तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है।
अच्छा जी, अब मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस तरह नहीं करना कि आपने बहुत ही छोटी लाइन ड्रॉ कर देनी है, कि आपने इतनी सी छोटी सी 10 सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी है। कम से कम 14 सेंटीमीटर तो आप ड्रॉ करें, या आप जहां से अपनी लाइन स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से आपने 2 से 3 सेंटीमीटर छोड़ के फिर आगे से जब आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो आप एंड तक ही अपनी लाइन को ले जाएं बेशक। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, आपने 1 2 3 4 5 6 लाइंस आपने स्किप करने के बाद 7th वाली लाइन पे आपने अपनी ये लाइन ड्रॉ कर देनी है एक्सिस के अलोंग। फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये देखें, आपको मैंने कहा है कि आप साथ साथ अपने ये स्टेप करते रहे ताकि आपको भी पता चले कि काम क्या हो रहा है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने सेकेंड स्टेप में, अब आपने देखे ये वाली लाइन तो आपने ड्रॉ कर ली हुई थी 14 सेंटीमीटर की, अब सेकेंड स्टेप में आपने इसी लाइन से इस तरह एक वाई एक्सिस के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ऊपर की तरफ। ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये वाली लाइन आपके पास कौन सी है, वर्टिकल लाइन, ये वाली लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट स्टेप में आपने ये वाली लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल 14 सेंटीमीटर वाली, सेकंड स्टेप में आपने ये वाली लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि आपने कितनी लाइंस छोड़ के ये वाली एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करनी है। देन आपने क्या करना है, अब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने ये करना है कि आपके पास ये जो वैल्यूज गिवन है, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये जो आपको वैल्यूज गिवन है ना, ये मंथ्स और प्रॉफिट्स, ये आपने शो करनी है अपने एक्स एक्सिस के ऊपर, अपने वाई एक्सिस के ऊपर। अब जब आप लोगों ने वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है ना, वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब है वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका ग्राफ बनेगा, मतलब जिस तरह आपकी दीवार की पोजिशन होती है उस पोजिशन में आपका वर्टिकल होता है। ठीक है, तो जब आपने वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है ना, तो वर्टिकल बार ग्राफ में वर्टिकल यानी आपकी जो वाई एक्सिस वाली लाइन है, जो दीवार वाली लाइन है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी वाली लाइन परपेंडिकुलर है, उस लाइन के ऊपर आप लोगों ने वो वाली वैल्यूज लिखनी होती हैं जिसमें चेंजेस आ रही होती हैं। ठीक है, जिस तरह यहां पे आपको नजर आ रहा है कि चेंजेस किस चीज में है, प्रॉफिट में चेंजेस आएंगी ना, मंथ्स में तो चेंजेस नहीं आएंगी। मंथ्स तो आपको पता है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये तो कंटिन्यूस चलते हैं। ठीक है, लेकिन चेंजेस किस में आएंगे, प्रॉफिट्स में आएंगे। प्रॉफिट कभी बढ़ भी सकता है, कभी कम हो सकता है। यहां पे आपको नजर आ रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इस तरह की पोजीशन आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉफिट वाली हेडिंग है ना, ये आपने लिखना है वर्टिकल लाइन्स में, यानी वाई एक्सिस वाली लाइन में आपने अपना ये प्रॉफिट लिखना है, और ये वाला जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो मंथ्स हैं वो आपने लिखना है अपने एक्स एक्सिस में, यानी जो आपने नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन 14 सेंटीमीटर वाली लाइन लगाई थी उसमें आपने अपने मंथ्स लिखने हैं, और ये जो प्रॉफिट है आपका वो आपने अपने वर्टिकल लाइन्स में लिखना है। ये बात आपने याद रखनी, जब आप वर्टिकल बार ग्राफ बना रहे हैं तो वर्टिकल बार ग्राफ में आपने वर्टिकल वाली साइड पे जहां पे चेंजेस आ रही है जिन वैल्यूज में, वो वैल्यूज आपने वर्टिकल साइड पे लिखनी है। ठीक है, चले अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये आपका मंथ था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और प्रॉफिट आपका ये 12,000, 23,000, 18,000, 26,000 and 20,000 है। फर्स्ट स्टेप में आपने 14 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली, सेकंड स्टेप में आपने वाई एक्सिस की लाइन लगा ली। अब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने करना ये है कि आपने ये जो यहां पर 14 सेंटीमीटर की लाइन लगाई हुई है यहां पर आपने इक्वली डिस्टेंस रखना है। अब वो इक्वल डिस्टेंस कैसे रखेंगे, देखिए मैंने आपको स्केल के साथ शो करवाया हुआ है, आपने स्केल रखा यहाँ पर, ये देखें स्केल की रीडिंग जो यहां से स्टार्ट हो रही है जीरो से, तो आपने इसी लाइन को इसके नीचे रखना है, ये वाले पॉइंट के नीचे आपकी जीरो की रीडिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं करना कि आपने स्केल का ये वाला पॉइंट जो है वो इसके नीचे रख दे, नहीं, जहां से आपकी स्केल की रीडिंग स्टार्ट हो रही है उसी को आपने इस पॉइंट के नीचे रखना है। तो आपका जीरो जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी पॉइंट के नीचे आपने अपनी जीरो की ये रीडिंग रखनी है। ठीक है, अब रखने के बाद आपने क्या करना है, इनमें इक्वल डिस्टेंस रखना है, यानी आप इस तरह करें कि इसमें 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख लें। आप यहां पर 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी रख सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक पे अगर इतनी स्पेस नहीं है तो आप अपनी बुक पे फिर 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे, और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कैसे रखेंगे कि आपने ये स्केल लगा दिए, स्केल रख दिए यहां पर, अभी मैं आपको 2 सेंटीमीटर से बताती हूँ। अब देखो ये इसके बिल्कुल नीचे आपकी जीरो की लाइन है, अब जीरो के बाद देखिए 2 कहां पर है, ये है आपका 2, ये ठीक है, तो इस 2 के ऊपर यहां पर मैंने देखें ये निशान लगा दिया, लाइन लगा दिया छोटी सी। 2 के बाद 4 आता है, यानी आपने 2-2 का डिस्टेंस रखना है, इट्स मीन कि आपका 2 का टेबल चलेगा यहां पे, पहले 2 आया तो आपने 2 पे यहां पे लाइन लगा दी, 2 के बाद क्या आएगा 4 2 के टेबल पे, तो ये यहां पे है 4, तो ये मैंने 4 के ऊपर यहां पर लाइन लगा दी है। ठीक है, आपकी ये रीडिंग है 4 की,
ये है आपके पास फोर की लाइन, तो इसके बिल्कुल ऊपर आपने यहाँ पर लाइन लगा दी एक छोटी सी, फोर के बाद सिक्स, तो ये सिक्स के ऊपर, सिक्स के बाद एट, एट के बाद टेन। अब हमें कितने पॉइंट्स चाहिए थे, एक दो तीन चार पांच पॉइंट्स ही हमें चाहिए थे। पांच क्यों चाहिए थे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपने एक्स एक्सिस पे ये वाली जो आपकी लाइन है ना, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इसके ऊपर आपने अपने मंथ्स को शो करना है, महीने लिखते हैं जो आपको मंथ्स ऊपर क्वेश्चन में दिए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फाइव मंथ्स ही आपको गिवन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फाइव लाइन लगाई है, एक दो तीन चार पांच। अगर सिक्स मंथ्स होते हैं तो मैं यहाँ पे एक और लाइन लगा लेती ट्वेल्व पे, तो यहाँ पे वो भी मेंशन कर देती, लेकिन अभी आपको सिर्फ फाइव मंथ्स चाहिए तो मैंने यहाँ पर फाइव लाइंस मेंशन कर दी हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये स्टेप तो सबको पता चल गया होगा। और अगर मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे तो हमने टू टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है, आपकी बुक है, अगर आपकी बुक पे इतनी स्पेस नहीं है तो आप लोग वहां पर वन वन सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख सकते हैं, यानी आपने स्केल तो यहीं पे एडजस्ट करना है जीरो पे, ठीक है। करने के बाद वन सेंटीमीटर का मतलब जीरो के बाद ये वन है, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट लाइन आएगी, उसके बाद टू पे सेकेंड, फिर थ्री पे थर्ड लाइन, फोर्थ पे फोर्थ लाइन, फिर फिफ्थ पे फाइव लाइंस, फिर यहां तक आपकी लाइंस हो जाएंगी अगर आप वन वन सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे मैंने टू टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के दिखाया ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। ओके, थर्ड स्टेप तक ये आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, ये है आपके पास फोर्थ स्टेप, ये आपने वो जो लाइंस मेंशन की थी ना टू टू सेंटीमीटर की, ये वाली ये देखें, सेकंड पे ये फॉल, फिर ये वाली और ये वाली, उनके नीचे आपने अपने मंथ्स मेंशन कर देने हैं, जनवरी फेब मार्च अप्रैल और मई, ठीक है। ये छोटा छोटा करके आपने लिखना, लिमिटेड काम हो, ये ना हो कि आपने जनवरी इतना बड़ा करके और पूरा लिख दिया जे ए एन यू ए आर वाई, आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने जे ए एन शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और अपनी राइटिंग थोड़ी नीट रखिएगा, छोटी छोटी राइटिंग में आप लोगों ने अपना काम करना है। फोर्थ स्टेप में आपका ये काम हो गया कि आपने ये जो लाइंस मेंशन की थी उसके नीचे आपने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई लिख दिया। अब आपने ये वाई एक्सिस की रीडिंग्स लिखनी है, ठीक है। अब हमारे पास वाई एक्सिस पे कौन सी रीडिंग्स थी, प्रॉफिट वाली। अगर आपके पास यहां पर ये मंथ्स वाली रीडिंग है तो यहां पर प्रॉफिट वाली आएंगी, क्योंकि वर्टिकल है तो वर्टिकल ये लाइन है, और वर्टिकल में आपको बताया है कि वर्टिकल में आपने जिन वैल्यूज में चेंजिंग आ रही है वो लिखनी है, ठीक है। अच्छा, यहां तक स्टेप हो गया आपका जनवरी फरवरी तक। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये देखिए, अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहां पर तो इस साइड पे तो आपने टू टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया, एक्स एक्सिस में आप लोगों ने टू टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, और ये जो वाई एक्सिस है वहां पर आपने क्या करना है, वन वन लाइन का डिस्टेंस लेना है, वन वन लाइन का, आपकी जो बुक की वन वन लाइन है उसका। जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है ये वाली फर्स्ट लाइन है ना, तो इसका फर्स्ट लाइन का फर्स्ट डिस्टेंस, फिर सेकेंड पे आपने लाइन लगा दी, थर्ड लाइन पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे। अब ये आपने डिस्टेंस कैसे लेना है, अब आपने डिस्टेंस कैसे लेना है, अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन में आपके पास जो प्रॉफिट था वो था 12,000, 23,000, 18,000, 26,000 एंड 20,000। लेकिन आपने अपने ग्राफ के ऊपर इस तरह रीडिंग तो नहीं लिखनी है कि आप लिख दें 12,000, 23,000 सेकंड लाइन में, उसे थर्ड लाइन में 18,000, फिर नेक्स्ट लाइन में 26,000। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, आपने एक सीक्वेंस के साथ अपनी रीडिंग्स लिखनी है, और रीडिंग्स इस तरह लिखनी है कि ये सारी वैल्यूज उस रीडिंग के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। आपने इस तरीके से अपनी वैल्यूज लिखनी है, जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है 12,000 है, फिर 23 है, 18 है, 26 है, 20, यानी जब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 12 है, और जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है 26, ठीक है। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इसमें 26 है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 12 है, यानी आपने इस तरीके से अपने ग्राफ को मैनेज करना है कि उसके अंदर 12,000 भी आ रहा हो और 26,000 भी आ रहा हो, ठीक है। तो मैंने इस तरह मेंशन किया क्योंकि ये आपके पास थाउजेंड्स में वैल्यूज हैं, 12,000, 23,000, 18,000, 26,000, 20,000, तो ये आपके पास थाउजेंड्स में वैल्यूज हैं, तो मैंने इस तरह किया अपने ग्राफ को, मैंने डिस्ट्रीब्यूट इस तरह किया कि मैंने 5,000 का डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। ये आपको मैं वो स्टेप दिखाती हूं, ये देखिए, ये देखिए जरा, आपके पास मैंने यहां पर क्या किया कि मैंने 5,500, और आपने याद रखना है कि जो आपकी वैल्यूज चेंजिंग है ना, जिस तरह प्रॉफिट्स में आपकी वैल्यूज जो थी वो चेंजिंग थी, चेंज वैल्यू थी आपके पास, तो आपने वहां पर क्या किया कि आपने यहां पे जो रीडिंग्स लेनी है वो रीडिंग्स आपके पास
सेम होनी चाहिए, मतलब उनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए. जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि फर्स्ट वैल्यू मैंने ली 5000 की, तो 5 के बाद 10000, 10 के बाद 15000, 15 के बाद 20 एंड देन 25 एंड देन 30000. ठीक है, ये आपको रीडिंग नजर आ रही है कि इन सब में 5000 का गैप है. ठीक है, सारी रीडिंग्स में आपके पास 5000 का गैप है. और आपको ये भी नजर आ रहा है कि इन रीडिंग्स के अंदर आपकी जो ग्राफ में आपके पास वैल्यू थी, मैं आपको दोबारा से ग्राफ दिखा देती हूँ कि ये जो ग्राफ में आपके पास वैल्यू है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 12000 है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 26000 है. ठीक है, तो आपने अभी जो टेबल बनाया है ये वाला, इस टेबल के अंदर आपके पास जो है वैल्यूज में 12000 भी आएगा, 10 के बाद यहीं पे कहीं पे होगा ना 12000, और 26 यहां पर होगा कहीं पर. ठीक है, यानी 12000 भी आ रहा है, 26 भी आ रहा है. इट्स मीन कि वो जो प्रॉफिट वाली वैल्यूज है वो सारी इसके अंदर आपके पास होंगी. हमने यहां पर सेम डिस्टेंस रखना है. आप मैं यहाँ पे 5000 का डिस्टेंस रख रही हूँ. आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि मिस हम यहाँ पे 1000 का भी डिस्टेंस रख सकते हैं. हम यहाँ पे लिखे 1000, फिर उसके बाद आएगा 2000, फिर 3000. अगर आप 1000 का डिस्टेंस रखते हैं ना, तो वो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा. आपको इतना लेंथी ग्राफ नहीं बनाना. अगर आप 1000 का डिस्टेंस रखते हैं तो फिर तो आपको 30 lines चाहिए उस ग्राफ को शो करने के लिए. आपने इतना लेंथी अपना ग्राफ नहीं बनाना, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया, 5000 का डिस्टेंस रखा. उस 5000 में मेरे वो सारी वैल्यूज प्रॉफिट वाली भी आ गई जो मुझे चाहिए थी. ठीक है, तो आपने यहां पर क्या किया, इनका डिस्टेंस कितना रख दिया, 5000 का. पहली रीडिंग आपके पास होगी 5000, देन 10000, देन 15000, देन 20000, देन 25000, देन 30000. ठीक है, और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो आपने फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया ना एक्स एक्सिस के, यहां पर आपने 5000 की रीडिंग नहीं लिखनी. आपकी स्टार्टिंग वैल्यू यहां पर नहीं आएगी, यहां पर हमेशा आपकी जीरो वाली रीडिंग होती है. ठीक है, इस लाइन में आपने कुछ नहीं लिखना होता, ये रीडिंग आपकी जीरो वाली रीडिंग होती है. ठीक है, आपके नंबर्स जो चल रहे हैं जीरो है. आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसके बाद उसमें आपने अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी है कि आपने कितने कितने का डिफरेंस ले रहे हो. ठीक है, ओके. अच्छा, इसके बाद ओके उसके बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए यहां तक अब आपने एक्स एक्सिस की रीडिंग्स भी लिखनी है, आपने वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज आनी है आपने वो भी लिखनी है. लिखने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपने यहां पे मेंशन करना है कि क्योंकि ये मंथ्स थे तो आपने इसके ऊपर ये एरो साइन शो करना है, और उसके नीचे लिख देना मंथ्स कि आप ये मंथ्स वाली वैल्यूज है, और इसका साइन आपने ऊपर की तरफ शो करना है यानी वाई एक्सिस के अलोंग, और आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट. ठीक है, और एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना, गंद नहीं मारना, लिमिटेड काम करना है, क्योंकि आपके इन क्वेश्चंस के लिए आपको एक एक पेज ही गिवन है, और उसी के ऊपर आपने वर्टिकल ग्राफ भी बनाना है, और उसी के ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल ग्राफ भी बनाना है. ठीक है, उसी एक पेज के ऊपर आपने दो ग्राफ बनाने हैं. तो आपको जिस तरह बताया जा रहा है कि आपने जितनी लाइंस यहाँ पे स्किप करनी है, सेम उतनी लाइंस आपने स्किप करके तभी आप लोगों ने काम करना है. और ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि मैंने किस तरीके से जनवरी जो है लाइंस के बिल्कुल साथ ही मैंने यहाँ पर जनवरी लिखा है. मैंने इस तरह नहीं किया कि मैं इस लाइन के ऊपर लिखूं. ठीक है, मैंने उसके बिल्कुल फौरन बाद ही यहाँ पर जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई लिख दिया, और उसके नेक्स्ट लाइन में मैंने एरो शो करके मंथ छोटा सा करके आप लिख देना है. ओके, नेक्स्ट स्टेप पे अब आपने क्या करना है, उसे नेक्स्ट स्टेप में अब देखें. अब हम लोगों ने क्योंकि ग्राफ बनाना है, अब ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें. आपने स्केल को अगेन रखना है क्योंकि आपका वर्टिकल ग्राफ बनेगा. वर्टिकल ग्राफ का मतलब है कि इस डायरेक्शन में ना इस तरह करके आपका ग्राफ बनेगा, ये जिस तरह मैंने आपको ये ब्लू में आपको शो हो रहा है ना, सेम इसी तरह आपका ग्राफ बनेगा. फेब का भी सेम इसी तरीके से आपका एक ग्राफ बन जाएगा इस तरह करके. ठीक है, मार्च का भी कुछ इस तरह करके आपका ग्राफ बनेगा, अप्रैल का कुछ इस तरह करके ग्राफ बनेगा, और फिर मई का कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा. अब इस ग्राफ के लिए आपको दो लाइंस चाहिए ना, ये आपको नजर आ रहा है, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली. टू लाइंस होंगी तभी जाके आपका ग्राफ बनेगा. अब वो टू लाइंस आपको कैसे चाहिए, ये देखें, मैंने दोबारा से स्केल को रखा. ये देखें, ये जो फर्स्ट पॉइंट था वो जीरो पे ही आ गया. अब ये वाला जो पॉइंट था ये आपका टू वाला पॉइंट था, ये आपको नजर आ रही है, जो आपने सबसे फ्रंट पे आपने रीडिंग ली थी, टू पे आपने लाइन लगाई थी, ये उसी के ऊपर आ गया. ठीक है, अब आपने जब इस टू के ऊपर दोबारा से रख देना है ना, रखने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इस टू से फोर लाइंस पीछे काउंट करनी है. देखो, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, और ये फोर्थ लाइन. ये फोर्थ लाइन के ऊपर आप लोगों ने ये लाइन लगा देनी.
ठीक है, आपको ये टू के लेफ्ट पे और राइट पे जहां पे ये पांचवी लाइन आ रही है ना, ये नजर आ रही है आपको पांचवी लाइन, और आपको नजर आता है कि जो फिफ्थ वाली लाइन होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। उस फिफ्थ लाइन से पहले वाली जो लाइन है यानी फोर्थ लाइन पे आप लोगों ने ऊपर यहां पे निशान लगा देना है। इट्स मीन आपने फोर फोर पॉइंट लेने हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कितने कितने पॉइंट्स लेने हैं, फोर फोर पॉइंट लेने हैं। यहाँ पे तो हमने टू टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा हुआ है ना, अगर आप वन वन सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं तब भी आप लोगों ने फोर फोर पॉइंट्स ही लेने हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे जनवरी पे मैंने क्या किया, वन टू थ्री फोर, ये फोर पॉइंट्स पे मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, और आपने राइट साइड पर भी वन टू थ्री फोर, ये फोर पॉइंट्स पे आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना, ठीक है। आपने लेफ्ट पे भी फोर पॉइंट्स पे एक पॉइंट लगा देना है, और आपने राइट पे भी फोर पॉइंट्स पे एक पॉइंट लगा देना है। ये बात आपने याद रखनी है कि अब देखो मैंने यहाँ पे स्केल एडजस्ट किया ना, मैंने स्केल रखा यहाँ जीरो पे। अब जब आपने ये वाले पॉइंट्स लगाने हैं ना, लाजमी नहीं है कि आप यहाँ जीरो से ही स्केल रखो, आप किसी भी पॉइंट पे, ये टू के नीचे आप कोई भी पॉइंट रख सकते हो, आप ये फोर पॉइंट भी यहाँ पे इसके नीचे रख सकते हो, जो भी पॉइंट आपने इसके नीचे रखना है ना, इस पॉइंट के नीचे, बस आपने ये ध्यान रखना है कि उसके लेफ्ट पे और राइट पे आपने फोर फोर लाइन के ऊपर आपने ये पॉइंट लगा देने, ठीक है। लगाने के बाद अब आपने क्या किया, देखें अब ये देखो, वो ये आपका वो टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस था ना, उसके लेफ्ट पे ये फोर पॉइंट्स पे एक लाइन लगाई है, और उसके राइट पे फोर पॉइंट्स पे एक लाइन लगाई है। ये स्केल हटा के आपको बता दिया कि किस तरह ये पॉइंट्स आपके लगे हुए, ठीक है। अब जब आपने इंक्रीज करना है ना, आपने इस पॉइंट को ऊपर की तरफ इंक्रीज करना है, और इस पॉइंट को ऊपर की तरफ इंक्रीज करना है, यानी ये जो अब आपने न्यू पॉइंट्स लगाए ना, इनको ऊपर की तरफ इंक्रीज करना है। कैसे करना है देखें, अब आपके पास जो पहली रीडिंग थी ना, पहली रीडिंग आपके पास क्या थी, मैं आपको दिखा देती हूं। ये देखिए, जनवरी में आपने सीक्वेंस वाइज अब अपना ग्राफ बनाना है। जनवरी में 12,000 प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 12,000। तो अब आप अपने ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, देखें ये जनवरी था ना, जनवरी की आपने यहां से तो ग्राफ की जो है रीडिंग शो कर दी। अब आपने 12,000 बढ़ाना है, 12,000 देखें यहां पे है, ये 10,000 है और ये 15,000 है, 10 और 15 के सेंटर में 12 होगा ना, यानी 10 और 15 के सेंटर में होगा 12,500 समथिंग कुछ भी है, ठीक है। यानी ये अगर हम इसका सेंटर करें तो यहां पे बन जाता है 12,500 इस तरह करके, तो उससे नीचे यहां पर करके ये आपका 12,000 होगा ना। ये आपने खुद एस्टिमेट करना है कि 10 और 15 के सेंटर में, ना तो आपने सेंटर से बिल्कुल ऊपर चले जाना है, ठीक है, और ना ही बिल्कुल सेंटर, थोड़ा सा उससे नीचे यहां पे, यानी तकरीबन ये आपका 10,000 है, सॉरी 12,000 है। तो आपने जहां पर 12,000 है ना, आपने जनवरी की रीडिंग चाहिए, तो आप स्केल रखो यहां पर इस तरीके से इस साइड पे, और बिल्कुल स्ट्रेट यहां पर ना एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये जनवरी के बिल्कुल ऊपर ना आपने एक स्ट्रेट लाइन पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ये वाला काम आपका पेंसिल का ही, जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाली रीडिंग जो है ना, आपने 12,000 जहां पे आपने मार्क किया उसके बिल्कुल सामने आप पेंसिल से ना 12,000 की एक लाइन सीधी सी ड्रॉ कर दें, ठीक है। करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने करना यह है कि यहां पे जो 2 सेंटीमीटर की लाइन थी ना, उसके लेफ्ट पे और राइट पे ये जो आपने फोर फोर पॉइंट्स का डिस्टेंस रख के लाइन लगाई है, अब आपने उन पॉइंट्स को ऊपर की तरफ बढ़ा देना जहां तक आपने पेंसिल से 12,000 की लाइन ड्रॉ किया। ये देखें, इनको यहां ऊपर तक आपने बढ़ा दिया, दोनों लाइंस को बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद आपने यहां से पॉइंटर से आपने इस बॉक्स को बंद कर देना है, ठीक है। करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि यहां पे जो पेंसिल का एक्स्ट्रा पोर्शन था आपके पास, ये आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन था ये आपने रेज कर देना है, ठीक है। बेसिकली हमें एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए थी ना, इसलिए हमने ये पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी, और ताकि हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग आए। उसके बाद जब आप ड्रॉ कर लें अपना ये वाला टेबल, तो आपने यहां से ये पेंसिल वाला पोर्शन बाद में रेज कर देना है, ठीक है। अब आपको देखो ये जनवरी की रीडिंग शो हो गई, आपको पता चल गया कि ये जो जनवरी है ये 12,000 पे है, ये 12,000 की आपके पास रीडिंग आ गई, ओके। अब आपने इसी तरीके से फेब का भी बनाना है, इसी तरीके से मार्च का बनाना है, इसी तरीके से अप्रैल, इसी तरीके से मई का बनाना है। अब फेब का भी मैं आपको बना के दिखा रही हूं, ये देखें, अगेन से मैंने स्केल को स्टार्टिंग पॉइंट जीरो पे रखा, और यहां पर आपके पास जो है ये फोर है, फोर पे ये देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फोर था ना, तो फोर के लेफ्ट पे आपने फोर लाइन स्किप करनी है, और राइट पे फोर लाइन स्किप करनी है। लेफ्ट पे देखें वन टू थ्री फोर, ये फोर लाइन, सॉरी ये जो फोर्थ वाली लाइन है वहां पे आपने ये पॉइंट लगा दिया, और राइट पे भी फोर्थ वाली लाइन पे आपने ये पॉइंट मेंशन कर दिया,
ठीक है। अब आपने ये वही काम किया है कि फोर फोर का आपने डिस्टेंस छोड़ना है, जनवरी में भी, फेब में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी, सब में आपने यही काम करना है। तो मैंने किसी भी पॉइंट पे आपने, हमने इसको फोर के पॉइंट पे रखा इसको एग्जैक्ट, और उसके लेफ्ट पे फोर वाला जो पॉइंट था, 1 2 3 4 काउंटिंग करके वहां पे लाइन लगा दी और राइट पे भी लाइन लगा दी। अब जो आपको फेब का काम था, आपका फेब का देखें जरा क्या था डिस्टेंस, सॉरी प्रॉफिट 23,000, ठीक है। फेब में आपका 23,000 है, तो अब आपका 23,000 कहाँ पे होगा, 20 और 25 के सेंटर में ही होगा ना, तो यहाँ पर करके तकरीबन आपका 23,000 आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम 23,000 की रीडिंग मेंशन कर रहे हैं, तो ये आपका 23,000 का हो गया ग्राफ, मतलब यहाँ पे होगा। तो आपने स्केल पे ये फेब के ऊपर इस तरह यहाँ पे करके आपने ये लाइन मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इन लाइंस को ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको नजर आ रहा है, ये वाली जो आपने फेब के लेफ्ट पे और राइट पे दो लाइंस लगाई उनको ऊपर बढ़ा देना इस तरह, इस पॉइंट तक, ये जो आपका पेंसिल वाली लाइन तक पॉइंट है, ठीक। ये देखिए जरा, ये यहां तक मैंने इस पॉइंट को ऊपर बढ़ा दिया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने फेब के इस पॉइंट को भी ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, और उसके बाद इसको पॉइंटर से आपने यहां से बंद कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ये आप पेंसिल वाला पोर्शन जो है वो आप रेज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। सेम एज इट इज आपने मार्च में भी इसी तरह करना है, अप्रैल में भी इसी तरह करना है, और मई में भी इसी तरह करना है। ये देखें मार्च में भी आपने 6 पे रखा स्केल एग्जैक्ट, उसके लेफ्ट पे 4 लाइन स्किप करके वहां पे पॉइंट लगाया और राइट पे स्किप करके पॉइंट लगाया। अब मार्च की आपके पास रीडिंग कितनी है वो भी आपको दिखा देती हूं। मार्च की है 18,000, ठीक है। अब 18,000 है तो आपका 18,000 कहाँ होगा, 15 और 20 के सेंटर में होगा, तकरीबन यहां पर होगा आपका 18,000। तो आपने यहां से देखें ये 15 की यहां पे 18,000 ये रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो उसके बिल्कुल इस तरह आपने स्केल रख के लाइन लगानी होती है। देखिए यहां पे मैंने आपको मेंशन भी कर दिया कि आपने किस तरह स्केल रखना है। यहां पे 18,000 था तो मैंने उस तरह स्केल रख के बिल्कुल स्ट्रेट यहां पे मार्च वाले पोर्शन पे मैंने लाइन लगा दी है, ठीक है। लगाने के बाद ये पेंसिल से लाइन लगानी है आपने। उसके बाद आपने ये जो मार्च के दो पॉइंट्स को आपने 4-4 पॉइंट्स का डिस्टेंस रखा हुआ था उनको आपने ऊपर की तरफ बढ़ा देना है इस पॉइंट तक। बढ़ाने के बाद आप पेंसिल वाला पोर्शन रेज कर देंगे, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरह ये मार्च का ग्राफ शो हो गया। सेम एज इट इज आपने अप्रैल का बनाना है। अप्रैल में भी आप इसी तरह करेंगे कि आपने इसमें भी 4-4 लाइंस का डिस्टेंस रखना है। यहाँ पे 8 पे आया, अगर यहाँ पे मैंने 8 पे रखा, लाजमी नहीं आप 8 पे ही रखें, आप इसको 9, इसके नीचे 9 भी रख सकते हैं, इसके नीचे 10 का पॉइंट भी रख सकते हैं, कोई भी आप पॉइंट रखते हैं ना, बस उसके आपने लेफ्ट पे और राइट पे 4-4 पॉइंट काउंट करके आपने ऊपर मार्क कर देना होता है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने मार्क किया, और उसके बाद आपका जो इसकी रीडिंग है वो है 26,000 और मई की 20,000 है, ठीक है। तो इसी तरह हमने जो है इसकी, ये देखिए अप्रैल के ये पॉइंट लगाने के बाद अब 26,000, 25 और 30 के सेंटर में होगा, तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 26,000। इसी तरह जिस तरह मैंने पीछे आपको स्केल शो करवाया वैसे आपने स्केल रख के ये अप्रैल के पोर्शन के ऊपर आपने 26,000 की लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अप्रैल की जो दो लाइन थी उसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है इस तरह, और बाद में पेंसिल वाला पोर्शन रेज कर देंगे। देन मई के लिए भी आप लोगों ने यही काम करना है कि आपने इसके 4 पॉइंट्स लेफ्ट पे और 4 पॉइंट्स राइट पे छोड़ के मई का भी ग्राफ शो कर देना है। ये देखें आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो है मेंशन भी कर देना है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर आप लिखेंगे, आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अभी आपका यहीं तक था सॉल्यूशन।